सर्वप्रथम ध्वंत धारणा रहा नो सिम्टम्स सो देर इज नो किडनी डिजिज कौन लक्षण ना से कौन डिजिज ना कौन किडनी डिजिज ना मन रखु अधिकांश समय किडनी डिजिज बहुत आडभांस स्टेज पर्यंत कौन लक्षण न थाए यहाँ बहुत अनफर्चुनेट किडनी डिजिज रे कि सत्य जे किडनी डिजिज भितर भितर बहुत बढ़ी जा पर्यंत भी लोक देह कौन सिम्टम्स लक्षण देखा जाए से किसी गुटाक संकेत थाए जो मान घर लोक ब्लड प्रेसर होता है जो मान फैमिली डायबिटीज हिस्ट्री थाए जो मान फैमिली अन्य किडनी डिजिज हिस्ट्री थाए तो से सब जिनस गुटाक संदेह कर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन लोक मूँ इन्वेस्टिगेट कराइले आम जापर द्वितीय भ्रांत धारणा रहा किडनी डिजिज इज नॉट क्यूरेबल थरे किडनी रोग हेले सेटा संपूर्ण रूपे क्योर हो पारिबो नाही मने रखंतु अनेक प्रकार किडनी डिजीज एमती अछि जोटा कि एक्यूट किडनी इंजुरी हो किंबा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो किंबा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो अनेक प्रकार किडनी डिजीज अछि जोटा ठीक समय रे डायग्नोसिस हेले ठीक समय रे ट्रीटमेंट हेले कंप्लीटली क्योर हो पारे इवन क्रॉनिक किडनी डिजीज को जदि ठीक टाइम रे डायग्नोसिस करा जाए तारो प्रोग्रेशन को डिले करी सिग्निफिकेंटली पेशेंट रो गोटे बेनिफिशियल लाइफ आमे दे पारिबा आ किडनी ट्रांसप्लांटेशन द्वारा क्रॉनिक किडनी डिजीज रो गोटे नियर नॉर्मल लाइफ देबारे पेशेंट को आमे एनेबल करी पारिबा तृतीय इंपोर्टेंट भ्रांत धारणा हैला कि डायलिसिस वन स्टार्टेड विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड अर्थात थरे डायलिसिस स्टार्ट हेले सबुबेले डायलिसिस करबा को पड़िबो मने रखंतु थरे डायलिसिस स्टार्ट हेले सबुबेले डायलिसिस करबा दरकार हुए नाही डिपेंड करुचे को कारण रो पेशेंट रो डायलिसिस स्टार्ट करा जाय छि जो मानंकर एक्यूट किडनी इंजरी थाए जेते बेले डायलिसिस रो आवश्यकता पड़े से पेशेंट मानंकु से क्राइसिस को टाइड ओवर करिया को बा से समय रे जो असुविधाटा अच्छी किडनी जो असुविधाटा अच्छी जो रक्त रे टॉक्सिन्स जमा हो जाए सफा करने कि डायलिसिस दरकार पड़े आउ जो प्राइमरी कॉज को क्षेत्र में कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो पारे को क्षेत्र में स्नेक बाइट हो पारे को क्षेत्र में प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी इन्फेक्शन हो पारे ब्लड लॉस हो पारे सो प्राइमरी कॉजटा जितेबाला क्योर हो जाए प्रायतः से क्षेत्र में पेशेंट मैंने संपूर्ण रिकवर हो जाती जो मानक क्रॉनिक किडनी डिजीज होती लॉन्ग टर्म डायलिसिस करके पड़े थाए केवल क्रॉनिक किडनी डिजीज केस लॉन्ग टर्म डायलिसिस दरकार पड़े किंतु एक्यूट किडनी डिजीज रे अल्प किछटा डायलिसिस परे आउ डायलिसिस प्रायतः दरकार पड़े ना आउ गोटे इंपोर्टेंट मिथ रहा डायलिसिस कैन क्योर कंप्लीटली किडनी डिजीजेस एटा गोटे इंपोर्टेंट मिथ जमी मुझ कहली कि वन्स डायलिसिस रिक्वायर हेले सब डायलिसिस दरकार पड़ेनि सेमती डायलिसिस एज सच इज नॉट ए कंप्लीटली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज रे किडनी रो जेतेबेले काम करिवार क्षमता कमी जाए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लेस देन 15 हेला परे किडनी रो काम करिवार क्षमता अत्यधिक कमी जाए गोटे रोगी को बंचेगी रखिया पई रक्त को परिष्कार करिया पई आमको डायलिसिस देबा को पड़े किंतु किडनी अन्य विभिन्न प्रकार काम करिथाय रक्त तयारी करिवा टुक नै कि अस्थि मज्जा को स्ट्रांग रखिवा एई सब विभिन्न काम डायलिसिस द्वारा हे पारेनी तो सेथि पई ताको अन्य सपोर्टिव मेडिकेशन दरकार पड़ेथाय एई समय रे रोगी को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देबा को पड़ेले आमे ताको किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुविधा देले गोटे नियर नॉर्मल और बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट आम दे पारिबा फिफ्थ इंपोर्टेंट मिथ रहा किडनी डिजीज को नहीं कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट द्वारा आम किडनी डिजीज को कंप्लीटली क्योर कर पारिबा मन रखंतु विभिन्न प्रकार अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपण माने देखि आस्तबे अनेक क्षेत्र रे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट नथाय आजिकाली अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मारे बहुत गोटे लोक कोनोसी अल्टरनेटिव स्पेशलिटी रे ट्रेन भी नथांति टेलीविजन माध्यम रे किबा न्यूजपेपर रे देखि आस्तबे अनेक प्रकार एमती भ्रांत धारणा सहित एडवर्टाइजमेंट्स आसे कि बाथटब रे सोई रहले किडनी ठीक हे जीव विभिन्न प्रकार हर्बल मेडिसिन खाइले किडनी डिजीज ठीक हे जीव से सब जिनस रे कोनोसी एविडेंस बेस्ड बैकिंग नथाय किबा प्रमाणिक तथ्य नथाय साइंटिफिक एविडेंस नथाय तो से सब जिनस को आपण माने अंधभाव विश्वास करिबा उचित नहो विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क डाक्तरों ठारु जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडियारो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।